शुरू होगी पाँच सेकेंड बाद इंसान खुशी और गम में दिल से बोलता है इसलिए शब्द उसकी मातृभाषा के होते हैं विराम परंतु हम हिंदी भाषी इस सार्वभौमिक सत्य को भी झुठ लाने पर आमादा हैं विराम हाउ सैड विश्व आदिबोधक जी नहीं बड़े अफसोस की बात है और दुखद भी विराम इसके लिए ग्लानि और लज्जा का अनुभव भी किया जा सकता है विराम पैरा भले ही बहाना बना लिया जाए कि हिंदी शब्द क्लिष्ट होने के कारण प्रचलन से बाहर होते हैं लेकिन जब हम वाह की जगह वाह बोलने लगें तो समझ जाना चाहिए कि गड़बड़ कहीं और नहीं हमारी मानसिकता में है विराम एक गुड़ के लिए अच्छा भला बढ़िया श्रेष्ठ उम्दा, शानदार शाबाश आदि को छोड़ दिया जाए तो हमारी समझदारी पर शक होना लाजमी है विराम ब्यूटीफुल के आगे सुंदर खूबसूरत मनमोहक आकर्षक चित्ताकर्षक मोहक मनोहर रम्य सुरम्य रमणीक और सुहावना जैसे दसियों शब्द कुर्बान कर दिए जाएं तो भाषा का सौंदर्य ऐसे ही खत्म हो जाएगा विराम पैरा एक एक शब्द की इन अभिव्यक्तियों में गहरे अर्थ समाये हैं विराम इनमें संदर्भ के अनुसार बारीक अंतर भी हो सकता है और यही बात इन्हें सटीकता देती है विराम मसलन कुछ आकर्षक चेहरे सुंदर हो सकते हैं और कुछ सुहावने विराम सुहावने में सुंदर के साथ सुखद होने का भाव भी है विराम पैरा अतः अंग्रेजी के एकाध शब्द को हर जगह मत चलाइए विराम संस्कृत और फारसी की महान विरासत वाली हमारी हिंदी के साथ ऐसी कोई मजबूरी नहीं है विराम पचासों छोटी छोटी अभिव्यक्तियाँ जो ज़ुबान पर सहज रूप से बसी हैं उन्हें यूं ही मत खो जाने दीजिए विराम अंग्रेजी अंग्रेजी में इस स्तर की विविधता लाने में हिंदुस्तानियों को न जाने कितनी पीढ़ियाँ लगेंगी विराम उसके चक्कर में अपनी मौजूदा दौलत न गवाइए विराम पैरा गुजरात की वस्त्र लोककला माता नी पछेड़ी भौगोलिक संकेतक टैग के लिए आवेदन किए जाने से चर्चा में है विराम इसका शाब्दिक अर्थ है मात्र देवी के पीछे विराम इसमें आयताकार कपड़े के केंद्र में देवी माँ का चित्रात्मक निरूपण होता है और शेष हिस्सों में देवी से संबंधित कथाएँ और प्रसंग चित्रित किए जाते हैं विराम ये चित्र कपड़े पर हाथ से बनाए जाते हैं या लकड़ी के ब्लॉक प्रिंट से विराम पछेड़ियों में प्राकृतिक और खनिज रंगों का इस्तेमाल किया जाता है विराम पैरा यह गुजरात के खाना वाघरी समुदाय की पारंपरिक कला है विराम यह देवी पूजक समुदाय करीब 300 वर्षों से इस कला से जुड़ा है विराम फिलहाल 70-80 लोग ही इसमें सक्रिय हैं विराम लकड़ी के ब्लॉक पीढ़ियों से संभालकर रखे जाते हैं विराम यह एक धार्मिक कला है विराम इसमें कई चरण होते हैं विराम पछेड़ियों की मांग नवरात्र के दिनों में अधिक होती है विराम इसका प्रयोग अनुष्ठान में होता है विराम पैरा माता नी पछेड़ी के लिए जी आई टैग का आवेदन गुजरात काउंसिल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से किया गया है विराम इसकी अनुमोदन प्रक्रिया में तीन माह लगते हैं विराम स्टॉप